रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज नागपुर दौरे पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्मृति भवन तथा दीक्षा भूमि को दी भेंट। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज सुबह नागपुर के रेशिमबाग स्थित हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद राज्यपाल दीक्षा भूमि की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अस्थि कलश के दर्शन किए। तो वही दूसरी ओर कल राज्यपाल कोश्यारी ने बापू कुटी के किए दर्शन। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रविवार को सेवाग्राम आश्रम को भेंट देकर बापू कुटी के दर्शन किए। बापू कुटी का निरीक्षण कर सामूहिक प्रार्थना भी की, साथ ही इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी दिया। क्या बनाना है आपको? शर्ट बनाना है, 2.5 मीटर का कुर्ता बनाना है, 3 मीटर। आई राज्यपाल का मुझे बताया गया है, वो प्राइवेट उनका विजिट है, कोई यहाँ पर कोई ऑफिशियल काम नहीं है। वो बापू कुटी देखना चाहते थे बहुत टाइम से, लेकिन पहले हो नहीं पाया। अभी समय में उनको आने का मौका मिला तो आए। आज उनके साथ तो आए थे पालक मंत्री, आए थे उसके अलावा यहाँ का 2 MLA और MP, इतने लोग यहाँ पर आए थे। उसके अलावा सरपंच भी थी और आए, यहाँ पर देखा उनको, कुटिया वगैरह उनको दिखा दिया और यहाँ से आश्रम का खाना चाहिए करके उन्होंने पहले ही बता दिया था, तो उनके लिए हमने खाना भी बना लिया था, खाना भी खाया और थोड़ा सा आराम किया और चले गए। जब तक 1.5 घंटा करीब यहाँ पर बिताया। उस तरह के लोग बस हम आज उस तरह के फॉलो करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। एक बात उन्होंने कही कि साधु संतों की जो परंपरा है, वो परंपरा में कुछ लोग अभी भी इधर उधर आपको मिल सकते हैं, हिमालय में या वहाँ कहीं भी जाएंगे तो। लेकिन ये जो गांधी के विचारधारा, विनोबा के विचारधारा के लोग हैं ना, बहुत कम मिलते हैं, यानी उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो गई है। खाना हमने उनको बता दिया था कि आश्रम का जो खाना है, स्टैंडर्ड खाना है, वो हम उनको बना करके दे देंगे, तो उन्होंने बोला सही बात है। तो यहाँ पर भी जब खाने की बात आई तो मैंने इसमें मिर्ची मसाला, उन्होंने बोला क्या हो गया है, वो सब चलता है, कोई असुविधा तो नहीं है। खाना खाया उन्होंने, अच्छा लगा, धन्यवाद भी दिया जिन्होंने बनाया वहाँ पर। देखिए कोई अगर आते हैं, हमने उनको यही कहा था कि DC ने भी ये मामला रखा था तो बोला था कि 5 लोग मैक्सिमम आप आ सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग आ गए। अभी MLA लोग आए, MP लोग आए, वो तो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको हम कैसे मना करेंगे, क्या करेंगे। उसके भी तो पुलिस वालों का भी लंबा कतार रहेगी, सिक्योरिटी की बात होगी, तो ऐसा बढ़ के कुछ ज़्यादा लोग हो गए यहाँ पर। वो तो हुआ है, लेकिन उन्होंने मैंने जितने भी लोगों ने कोऑपरेट किया, मैं ऐसा क्लस्टर में आकर के कुछ बातचीत हुई नहीं गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइकुल इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।